हेलो फ्रेंड्स, तो आज की मूवी एक ऐसी वॉर के बारे में है जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इसमें छोटे छोटे बग्स की इंटेलिजेंस को दिखाया गया है और आई एम श्योर आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है फ्रांस के एक ब्यूटीफुल वैली से, जहाँ एक कपल इस रिमोट एरिया में पिकनिक मनाने आया है। वो दोनों इस शांति को बहुत एंजॉय कर रहे थे कि तभी उस लेडी को लेबर पेन का एहसास होता है। बिना देर किए वो दोनों सिटी की ओर निकल जाते हैं ताकि जल्दी से लेडी को क्लिनिक ले जाया जा सके, और इसी चक्कर में अपने खाने पीने का सामान वहीं भूल जाते हैं। यही पास ही में एक लेडी बग फैमिली भी थी जिनके 3 बच्चे अभी अभी हैच हुए हैं। उनके पेरेंट्स उन्हें उड़ने की ट्रेनिंग देते हैं। स्टार्टिंग में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनके विंग्स अभी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हुए थे, पर फिर जल्दी ही वो इसमें परफेक्ट हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ जंगल की ट्रिप का मजा लेने लगते हैं। इन्हीं में से सबसे छोटा था मैक्स, जिसे अचानक से किसी की हंसने की आवाज आती है। ये असल में एक बेबी फ्लाई थी जो मैक्स की उड़ने का मजाक बना रही है, और क्यूरियस होकर मैक्स उसका पीछा करने लगता है। वो लोग एक पेड़ के तने पर आते हैं जब मैक्स उस फ्लाई से बात करने की सोचता है, लेकिन अचानक उस बेबी फ्लाई की फैमिली वहां आ जाती है और वो सब मैक्स को घेर लेते हैं कि शायद वो उनके बेबी को तंग कर रहा है। मैक्स डरकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो फ्लाइज उसका पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, और इसी चक्कर में मैक्स चट्टान से टकराकर एक दरार में जा गिरता है। इससे उसका एक विंग भी टूट गया था। फ्लाइज भी काफी देर तक ऊपर ही मंडराती रही, लेकिन फिर उसे मरा हुआ समझकर वहां से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद मैक्स को होश आता है। वो उड़कर वहां से बाहर निकलने की सोचता है, लेकिन एक विंग से ऐसा करना इम्पॉसिबल था। वो किसी तरह रेंगता हुआ दरार से बाहर निकलता है, लेकिन तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। मैक्स मदद के लिए बहुत चिल्लाता है, लेकिन वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। फिर शेल्टर ढूंढता हुआ वो एक शुगर बॉक्स तक आता है जिसे वो पिकनिक वाले कपल छोड़कर गए थे, और डिसाइड करता है कि आज की रात उसे यहीं बितानी होगी। सुबह एक तेज आवाज से उसकी आँख खुलती है। वो बाहर देखता है कि उस पिकनिक वाली जगह पर तो हजारों इंसेक्ट्स हैं जो अपने लिए खाना ढूंढने आए हैं। कोई चिप्स और वाइन का मजा ले रहा है, कुछ कुकीज को पाना चाहते हैं, और कोई कोई तो एक माचिस के लिए लड़ रहे हैं। वहीं पास ही में हम कुछ ब्लैक एंट्स को देखते हैं जो अपनी सप्लाईज लेकर वापस घर जा रहे थे। उनके लीडर को अचानक शुगर की महक आती है और वो तुरंत उस शुगर के बॉक्स को चेक करने जाता है जहाँ मैक्स उसे देखकर पहले ही छुप चुका था। एंट लीडर ने इतनी सारी शुगर पहले कभी नहीं देखी थी, और फिर जैसे ही वो उसे टेस्ट करता है उसके पूरे शरीर में एक एनर्जी सी भर जाती है। वो तुरंत अपनी टीम को यहाँ आने को बोलता है और वो उस बॉक्स को ही उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। मैक्स अभी भी उस बॉक्स में ही बंद था, और इस तरह उसकी एक जर्नी शुरू हो जाती है जो ना जाने उसे कहाँ ले जाएगी। आगे एक जगह एंट उस बॉक्स को नीचे गिरा देते हैं जिससे सारी शुगर बाहर निकल आती है। एंट्स उन्हें वापस रखने लगते हैं कि तभी उनकी नज़र मैक्स पर जाती है जो शुगर के साथ बॉक्स से बाहर आ गया था। वो उसे चेक ही कर रहे होते हैं कि अचानक वहाँ एक छिपकली आ जाती है जो भूख के मारे परेशान हो रही थी। छुपने के लिए एंट्स उन शुगर क्यूब्स का सहारा लेते हैं, लेकिन छिपकली उनके बहुत पास आ गई थी और उसने एंट्स के लीडर को भी देख लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो उन पर अटैक कर पाए, मैक्स को एक तरकीब सूझती है। वो भागकर उस शुगर बॉक्स में जाता है और जोर जोर से आवाज निकालने लगता है। छिपकली उस गूंजती हुई आवाज को सुनकर डर जाती है कि शायद यहाँ कोई बड़ा एनिमल आ गया है, और एंट्स को छोड़कर भाग खड़ी होती है। सभी एंट्स मैक्स की इस बहादुरी से बहुत इम्प्रेस होते हैं, और यहाँ उन्हें पता चलता है कि उस बेचारे का एक विंग टूटा हुआ है जिसके कारण वो फ्लाई नहीं कर सकता। लीडर उसे अपने साथ अपनी कॉलोनी में चलने को बोलता है, और इस तरह उनकी जर्नी एक बार फिर शुरू हो जाती है। रास्ते में लीडर अपने लोगों को एक सिग्नल भेजता है ताकि इन्फॉर्म कर सके कि वो लोग खाना लेकर पहुंचने वाले हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही कुछ रेड एंट्स उन्हें देख लेते हैं जो खुद भी यहाँ खाना ढूंढने आए थे, और उन्हें भी शुगर की महक मिल चुकी थी। वो सामने से आकर ब्लैक एंट्स का रास्ता रोक लेते हैं। वो चाहते हैं कि ब्लैक एंट्स ये बॉक्स उनके हवाले कर दें। तब ब्लैक लीडर अपने एंट से रुकने को बोलता है और बॉक्स से एक क्यूब निकाल कर लाता है। फिर वो रेड एंट्स को उसे देकर कहता है कि इसे हमारी तरफ से एक तोहफा समझकर रख लो, और ये कहकर वो तेजी से बॉक्स लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रेड एंट्स को बहुत गुस्सा आता है कि एक क्यूब देकर वो हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, और वो सब ब्लैक एंट्स का पीछा करने लगते हैं। ब्लैक एंट्स को भी इसका पता चल गया था। वो बॉक्स में बैठकर उसे एक हिल से नीचे धकेल देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी एनिमी से अपना पीछा छुड़ा सके। रेड एंट्स को भी वहाँ एक सोडा कैन दिखाई देता है और वो उसे रोल करते हुए उनके पीछे जाने लगते हैं। जल्दी ही दोनों एंट्स एक रिवर में आ गिरते हैं, लेकिन कोई भी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। तभी एक झटका लगने के कारण मैक्स फिसलकर नीचे रिवर में जा गिरता है,
और हम देखते हैं कि वहाँ एक फिश उसके पीछे लग गई है। ब्लैक एंट्स को अपने नए दोस्त की बहुत चिंता होती है क्योंकि उन्हें पता था कि वो ज्यादा देर तक फिश से नहीं बच पाएगा और उन्हें किसी भी तरह उसकी मदद करनी होगी। फिर वो एक दूसरे को पकड़कर एक चेन बनाते हैं और थोड़ी मुश्किल के बाद फाइनली मैक्स को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। तभी उन्हें सामने एक वॉटरफॉल नजर आता है और बचने के लिए सारे एंट्स उस बॉक्स में चले जाते हैं। शुगर बॉक्स उस वॉटरफॉल से नीचे गिर जाता है जिसके पीछे फिश और वो रेड एंट्स भी हैं। वहाँ बॉक्स तो बहता हुआ आगे निकल जाता है लेकिन फिश नीचे मिट्टी में फंस जाती है और रेड एंट्स भी किसी तरह उस कैन से बाहर निकल आते हैं। उधर ब्लैक एंट्स का शुगर बॉक्स अब टूट चुका था लेकिन वो लोग बची हुई शुगर को बाहर निकाल लेते हैं और अब आगे का रास्ता उन्हें पैदल ही तय करना था। वो एंट्स अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं कि तभी मैक्स को एक जानी पहचानी आवाज आती है। वो देखता है कि सामने उसके जैसे ही दूसरे लेडी बग्स हैं जो आपस में मस्ती कर रहे हैं। वो उड़कर उनके पास जाना चाहता था लेकिन एक विंग होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता और उदास होकर दोबारा उन एंट्स को ज्वाइन कर लेता है। यही हम उन रेड एंट्स को देखते हैं जो अभी भी उनका पीछा कर रहे थे और एक रोड क्रॉस करते हुए उन तक पहुँच जाते हैं। तभी वो सब एक कार को आते हुए देखते हैं लेकिन ब्लैक लीडर फिर भी अपनी टीम को आगे बढ़ने को बोलता है। रेड लीडर भी उनके पीछे जाना चाहता था लेकिन उसकी टीम कार को देखकर डर गई थी इसीलिए वहाँ से भाग खड़ी होती है। यही ब्लैक एंट्स किसी तरह उस कार से बच निकलते हैं और जल्दी ही कॉलोनी तक पहुँच जाते हैं। लीडर मैक्स को अंदर चलने को बोलता है जहाँ सभी एंट्स अपने काम में बिजी थे। हर वर्कर अपने खाने को क्वीन को टेस्ट कराता है जिसे वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देती थी लेकिन जब लीडर उसे शुगर टेस्ट कराता है तो इससे क्वीन के साथ साथ बाकी एंट्स भी बहुत इम्प्रेस होते हैं। इसी दौरान उस रेड लीडर ने उस कॉलोनी को ढूंढ निकाला था और वो ये बात जाकर अपनी क्वीन को बताता है कि ब्लैक एंट्स को शुगर का खजाना मिल गया है। क्वीन अपनी आर्मी को तैयारी करने को बोलती है और वो हजारों की संख्या में अपने वेपन्स लेकर ब्लैक कॉलोनी की ओर निकल पड़ते हैं। आगे का सीन रात का है जब मैक्स और बाकी एंट्स आराम कर रहे हैं। मैक्स यहाँ एक सपना देखता है कि वो वैली में अपनी फैमिली के साथ है और वो लोग वहाँ खूब एंजॉय कर रहे हैं। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो एंट हिल पर जाकर उड़ने की कोशिश करता है लेकिन देखता है कि उसका नया विंग अभी बहुत छोटा है और उसके बड़ा होने पर ही वो अच्छे से उड़ पाएगा। सुबह एक आवाज सुनकर एंट्स जाग जाते हैं और देखते हैं कि रेड एंट्स ने उन्हें घेर लिया है जिनके पास पत्थर गुलेल और यहाँ तक कि बग स्प्रे भी है। फिर बिना वार्निंग के रेड एंट्स उन पर अटैक कर देते हैं जिससे उनके हिल को बहुत नुकसान होता है। ब्लैक एंट्स के पास अब लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो रेड एंट्स पर कॉटन स्वैप टैबलेट्स और नमक से अटैक करते हैं ताकि उनके आगे बढ़ने की स्पीड को स्लो किया जा सके लेकिन रेड एंट के अटैक और खतरनाक होते जा रहे थे। तब ब्लैक क्वीन लीडर और मैक्स को अपने साइंटिस्ट के पास भेजती है जो उन्हें एक माचिस और कुछ फायर क्रैकर्स देता है। एंट उन क्रैकर्स को अपने हिल पर लगा देते हैं। उधर रेड एंट्स भी पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं थे और एंट हिल में घुसने की कोशिश करने लगते हैं। तब लीडर आगे आकर उस माचिस को खोलता है लेकिन वो देखते हैं कि इसमें तो बस एक ही स्टिक है पर अब वो पीछे नहीं हट सकते थे। लीडर माचिस पर दी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है और फिर वो एक क्रैकर में आग लगा देते हैं। क्रैकर घूमता हुआ सीधा बैटलफील्ड में जा गिरता है जिससे रेड एंट्स के काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब ब्लैक एंट्स के पास और स्टिक्स नहीं बची थी और ये देखकर रेड एंट्स अपने अटैक को और तेज कर देते हैं। ब्लैक हिल पर अफरा तफरी मच जाती है और तभी मैक्स को याद आता है कि वो एक माचिस पहले भी देख चुका है जो उस कपल की पिकनिक स्पॉट पर थी। वो तुरंत इस बारे में एंट्स को बताता है और कहता है कि मैं उड़कर उस माचिस को यहाँ ला सकता हूँ लेकिन मुझे उड़ने में थोड़ी मदद की जरूरत होगी। तब एंट्स एक नोट की मदद से एक पेपर प्लेन बनाते हैं और बग उस पर बैठकर उड़ने लगता है। रेड एंट्स एक स्प्रे की मदद से उसे रोकना चाहते थे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मैक्स का विंग अब बड़ा हो गया है। वो उड़ते हुए वहाँ से दूर निकल आता है और ब्लैक एंट्स उसके जल्दी से वापस आने की विश करने लगते हैं। मैक्स भी जल्दी उस जगह तक पहुँच जाता है जहाँ वो माचिस अभी भी रखी हुई है। वो उसे उठाने की कोशिश करने लगता है कि तभी अचानक वहाँ एक स्पाइडर आ जाता है और आराम से उस माचिस को उठाकर अपने साथ ले जाता है। मैक्स उसका पीछा करता है और शाम होते होते वो उसके ठिकाने पर आते हैं जो असल में एक टॉय हाउस है। पता चलता है कि स्पाइडर माचिस से अपने वेब को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था लेकिन मैक्स उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता क्योंकि एक टोड ने उसे पकड़ लिया था। मैक्स बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है और इसी दौरान वो टॉय हाउस पर लटकर उस टोड पर जा गिरता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। या मैक्स एक बार फिर अपनी फैमिली का सपना देखता है लेकिन जल्दी ही उसकी आंख खुल जाती है।
स्पाइडर टोड के मन से बहुत खुश था। वो मैक्स को कुछ खाने को देता है और आखिर में मैक्स उस माचिस को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वापसी में एक बार फिर उसे उन फ्लाइज की हंसने की आवाज़ आती है और वो देखता है कि वो फ्लाइज वहाँ एक लेडी बग को तंग कर रही हैं। माचिस वहीं छोड़कर वो उसकी मदद करने जाता है और उनका ध्यान खींचकर उन्हें अपने पीछे एक रोड पर ले आता है। तभी वहाँ से एक कार निकलती है। मैक्स पूरे जोश के साथ उस कार की ओर बढ़ता है और एंड टाइम पर रास्ता बदलकर एक्सीडेंट से बच जाता है, लेकिन वो फ्लाइज ऐसा नहीं कर पाती और कार से टकराकर वहीं रोड पर गिर जाती हैं। मैक्स वापस उस लेडी बग के पास आता है जो असल में एक फीमेल लेडी बग थी और प्रॉमिस करता है कि वो उसे मिलने वापस जरूर आएगा। फिर वो माचिस लेकर वापस एंट हिल पर आता है जहाँ लीडर और बाकी एंट्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अब उन क्रैकर्स को चलाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी जो जल्द ही बैटलफील्ड पर तबाही मचा देते हैं और रेड एंट्स के सोल्जर्स में भगदड़ मच जाती है। वो लड़ाई छोड़कर भागने लगते हैं और ब्लैक एंट्स ये वॉर जीत जाते हैं। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि फायर क्रैकर्स ने एंट हिल के आसपास आग लगा दी थी और इससे ब्लैक एंट्स का बचना मुश्किल लग रहा था। वो सब अंदर क्वीन के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज़ आती है और पता चलता है कि एक फायर प्लेन वहाँ उस आग को बुझाने आया है। उस फॉर्म से एंट हिल नष्ट हो जाती है और मैक्स और सारे एंट्स वहाँ से बाहर निकल आते हैं। आगे का सीन कुछ टाइम बाद का है जहाँ मैक्स जंगल में मिली उस लेडी बग के साथ है जिसकी उसने हेल्प की थी। उनके साथ उनके बेबीज भी हैं जो ठीक वैसा है जैसा कि मैक्स ने सपने में देखा था और फिर वो उन्हें लेकर वैली की ओर उड़ जाता है। यही हम उन ब्लैक एंट्स को देखते हैं जो अपनी एंट हिल को दोबारा बना रहे हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।